नाहन में आयोजित हो रहे 36वें राज्य स्तरीय युवा उत्सव के दूसरे दिन प्रतिभागियों ने एकाकी तबला वादन एवं शास्त्रीय संगीत स्पर्धाओं में प्रस्तुति देकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। दूसरे दिन 11 जिलों से आए प्रतिभागियों ने एकाकी तबला वादन, हारमोनियम एवं शास्त्रीय संगीत में अपनी अपनी प्रस्तुति देकर लोगों को मंत्रमुग्ध किया। खास बात ये भी है कि इस बार युवा महोत्सव में प्रथम रहने वाली टीम राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रस्तुति देगी, जिसको लेकर युवाओं में खूब जोश देखने को मिल रहा है। युवा सेवा एवं खेल विभाग के अधिकारी सुशील शर्मा ने बताया कि 3 दिवसीय इस युवा उत्सव में विजेता टीम राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुति देगी, जो कि आने वाले समय में लखनऊ में आयोजित होगी। हर वर्ष विभाग द्वारा इस राज्य स्तरीय उत्सव का आयोजन करवाया जाता है, जिसका मुख्य मकसद यही है कि युवा अपनी संस्कृति से रूबरू हो सकें। इसी कड़ी में इस बार सिरमौर जिला में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागी युवा यहां 11 तरह की विधाओं में प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमारा जो 36वां युवा उत्सव पिछले कल से स्टार्ट हुआ है, उसका आज दूसरा दिन है। आज SFDA में हॉल में वन एक्ट प्ले और ग्रुप सॉन्ग चलेंगे, और हमारा कमेटी हॉल है उसमें हारमोनियम, तबला वादन, बांसुरी वादन, वोकल, वो सब उस तरफ चल रहे हैं। और इसमें कोई 550 युवाओं ने भाग लिया है, जो अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। यहाँ पर बच्चों में बहुत ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि इस बार जो नेशनल है, यूथ नेशनल, वो लखनऊ में होने जा रही है। तो जो टीम यहाँ पर प्रथम आएंगी वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगी, इसलिए बच्चों में इस बार बहुत ज़्यादा उत्साह। लाइव टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।